A very sweet good morning, my dear students of class 12th. In this video, I am going to explain your very first poem from your book Flamingo. Poem's name is My Mother at 66. My mother at 66. The poetess.

इट वाज हर चाइल्डहुड फियर टू लॉस अ मदर अनटाइमली बिकॉज शी हैड बीन वेरी ओल्ड डिजीज्ड वीक अनहेल्दी उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है बहुत कमज़ोर हो गई है और पोइटेस सर्विस करती है दूसरे दूर शहर में वहाँ से जब जब अपनी माँ के पास मिलने आती है और जब वहाँ भी रहती है जहाँ वो सर्विस करती उसको यही लगा रहता कहीं ऐसा ना हो मेरी मोम मेरी मम्मी मेरी माँ मुझे छोड़ के चली जाए सिंस ही लव्ड हर वेरी मच चूँकि वो बहुत प्यार अपनी माँ से करती थी तो शी वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ लॉसिंग उसे डर लगा रहता था कहीं मेरी माँ मुझे छोड़ कर, चली ना जाए अनटाइमली डेथ ना हो जाए मेरी माँ नाव वेन योर पोइम स्टार्ट्स शी इज ऑन हर वे टू द एयरपोर्ट टू एट कोचिन कोचिन एयरपोर्ट जा रही है वो अ कमेंड बाई हर मदर उसकी माँ साथ में ही बैठे हुए हैं सडनली सी रेन अब मैं आपको जो एक्स्ट्रा की लाइन्स हैं वो बताता जाऊँगा पोएम की आप उसको समझते जाएंगे आई सॉ माई मदर बिसाइड मी मैंने देखा मेरी मां मेरे पास बैठी हुई थी गाड़ी में डोज ओपन माउथ मुंह खोले हुए जमाई लेते हुए बैठी हुई थी हर फेस ऐसे लाइक like दैट चेहरा बिल्कुल मेरी माँ का काला पड़ गया जैसे राख होती राख की तरह मेरी माँ का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था गाड़ी में दोनों बैठे हुए हैं माँ बगल वाली सीट बैठी हुई तब वो अपनी माँ को देखती है दोनों जा रही हैं वो छोड़ने जा रही कोचिन एयरपोर्ट तक पोइट को वहां से वो नौकरी के लिए जाएगी तो उसकी माँ का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था राख की तरह ऑफ ए कॉर्प्स जैसे एक डेड बॉडी होती है स डेड बॉडी जैसे मुर्दा होता है मुर्दा ही जा, छा जाती है चेहरे पे उसी तरह का चेहरा एकदम काला मुर्दे की तरह हो गया था उसकी माँ का चेहरा with pain. और दर्द महसूस किया उसने दर्द महसूस कर रही थी अभी फर्स्ट जो एक्सटेक्ट है उसका स्टार्ट यहाँ से है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग पिछले फ्राइडे मॉर्निंग को जब मैं अपनी माँ के साथ कोचिंग एयरपोर्ट के लिए जा रही थी कोचिंग जा रही थी एयरपोर्ट के लिए मेरी माँ मेरे साथ बैठी थी आई सो माई मदर बिसाइड मी मैंने देखा मेरी माँ जी एक्सट्रेक्ट जो भी मैंने बताया आपको तो चेहरा कैसा हो गया तो उसकी माँ का बिल्कुल मुर्दे जैसा काला पड़ गया तो वो देख रही थी उसे लग रहा था ये तो बहुत कमजोर हो गई अब तो ये ऐसा ना हो मैं वापस लौट के आऊँ तब तक ये मुझे ना मिले ठीक है शिवाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट इतना ज्यादा बिल्कुल बुजुर्ग बूढ़ी कमजोर मुर्दा जैसी हो गई थी चेहरा उसकी माँ का लगता था शी रिलाइज हर पेन उसने कहा मां भी मेरी बहुत दर्द में है इसका मतलब और पोइटेस को भी बहुत दर्द हुआ माँ की हालत देख हर मूड वाज अपसेट एक्चुअली वो दुखी हो गई पुट दैट थॉट अबे एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज इस प्रिंटिंग उन विचारों को दूर करने के लिए अपना मन बदलने के लिए वो गाड़ी की दूसरी तरफ खिड़की के बाहर देखने लगी क्या देखा यंग ट्रीज इस प्रिंटिंग जवान हरे पेड़ पीछे को दौड़ रहे जब गाड़ी आगे चलती पेड़ पीछे दौड़ते हैं तो उनको देख रहे थे तो पेड़ पीछे दौड़ रहे थे द मैरी चिल्ड्रन ये गलत दिया है यहां पे मैसी नहीं होगा मैरी चिल्ड्रन मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स और क्या देखा उसने खिड़की के बाहर गाड़ी के बच्चे थे मैरी चिल्ड्रन हंसते हुए बच्चे अपने घरों से बाहर दौड़ रहे बाहर भाग रहे थे मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स हरे पेड़ पीछे भाग रहे गाड़ी के गाड़ी आगे भाग रही और बच्चे खुश बच्चे थे वो अपने घरों से भाग रहे हैं तो उन्होंने इसको देखा उसने रियलाइज किया क्या रियलाइज किया उसने कहा कि ये देखिए पेड़ इतने हरे भरे हैं दे आर फुल ऑफ एनर्जी दे आर फुल ऑफ एंथम दे आर फ्रेश लिव अ लॉन्ग लाइफ वाइल माई मदर शी वॉज एट द स्टेज ऑफ डेथ मेरी मां मर जाएगी बूढ़ी हो चुकी जबकि पेड़ तो ये यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट एक्चुअली पेड़ और माँ के बीच में किया गया है वो यंग है फुल ऑफ एनर्जी हैं हैं हैप्पी हैं दे विल लॉन्ग लाइफ ऑन द अदर हैंड हर मदर हैज बीन वेरी ओल्ड शिवाज अबाउट टू डाई ड्यू टू सिकनेस बच्चों को भी देखा उसने देखा ये लंबी लाइफ जिएंगे ये कितने खुश हैं ये अभी अपनी जिंदगी लंबी जिएंगे जाके ठीक है जबकि मेरी माँ माई मदर हैज़ बीन ओल्ड मेरी माँ बूढ़ी हो गई है तो इनका भी तुलना की है बच्चों से उनकी जिंदगी से अपनी माँ की पेड़ों से और बच्चों से ठीक है मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ उसने कहा ये पेड़ लंबी लाइफ जिएंगे दे आर फुल ऑफ एनर्जी दे आर स्ट्रॉन्ग दे आर ग्रीन दे आर हैप्पी चिल्ड्रेन आर ऑल्सो हैप्पी दे आर यंग देव लॉन्ग लाइफ ऑन द अदर हैंड हर मदर वॉज अबाउट टू टाइम माँ मरने वाली थी मरने की कगार पर बैठी हुई थी तो इनकी तुलना की है अपनी माँ से उसने ठीक है आई लुकड again एट हर वैन pale. मैंने दोबारा फिर उसके चेहरे को देखा पीले चेहरे को भद्दे चेहरे को एज ए लेट विंटर्स मून कैसा चेहरा था उसका जैसे सर्दियों में चंद्रमा हो जाता है मदर्स face इज compared विद लेट विंटर्स मून इन लेट विंटर्स मून बिकम्स कलरलेस fade. it looks very weak. बिल्कुल दिखाई भी देता है बहुत धुंधला सा दिखाई देता है कलर उड़ जाता fade फेड हो जाता है वो वैसे ही उसने अपनी माँ की तुलना इस चंद्रमा से की है उसकी माँ का चेहरा भी जैसे सर्दियों में चंद्रमा की हालत हो जाती वही उसकी माँ के चेहरे की हालत हो गई एंड ये सिमिली यहाँ पर आपका पोइट्रिक डिवाइस यूज हुआ एज लगा सिमिली ऐसा ही एम आई एल तुलना की गई है फेल्ट दैट ओल्ड फैमिली अरैग और वही उसका पुराना दर्द फिर उया कि उसकी मां उसको छोड़कर चली जाएगी अन टाइमली हर मदर को डाय शी वुड लीव हर अलॉन शि सी लव्ड हर वेरी मच सी कुट लिव विद आउट हर शी कु नॉट बियर दैट सेपरेशन फ्रॉम हर मदर अपनी माँ से जुदाई वो बर्दाश्त नहीं कर पाती इसलिए बहुत दुखी है और वो ही दर्द उसके अंदर फिर उबार आया ये उसका बचपन का डर था चाइल्ड हुड फियर बचपन से हमेशा से उसको यही लगता था फैमिलियर एक चाइल्ड हुई सैड वैंने कुछ नहीं कहा सी यू सुन अम्मा केवल मैंने उनसे कहा अम्मा मैं जल्दी आपसे मिलूंगा आके शी डि नॉट वॉन्ट टू रिलाइज हर मदर अबाउट हर रिलेपेटेड कंडीशन अपनी मां को वो रिलाइज उसकी बुरी कंडीशन के बारे में नहीं करना चाहती थी नहीं तो वो और दुखी हो जाती बोली माँ यू आर ऑल राइट मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी आके एंड आई डिड वाज स्माइल 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 एंड एंड मैं खड़ी हुई केवल मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही तो पार्टिंग वर्ड सी यू सू नम्मा एंड स्माइल स्माइल एंड स्माइल टेल दैट द पोइटस डिड नॉट वांट टू रियलाइज हर मदर अबाउट हर बैड कंडीशन सी एश्योर्ड हर अगली right, like बार फिर मिलेगी आके आप अपना ख्याल रखना मैं जल्दी आके आपसे मिलूंगी और उसने बिल्कुल अपना मूड खराब नहीं किया अंदर से भले ही वो दुखी थी ऊपर उसने ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिया जिससे उसकी माँ समझ जाती कि मैं बहुत बीमार हूं क्या इसलिए ऐसा कह रही है तो वो स्माइल करती रही खड़ी खड़ी मुस्कुराती रही, रही, रही कहा अम्मा में जल्दी ही आपसे मिलूंगी आकर ओके एयरपोर्ट पर जब चेक होगी सिक्योरिटी उसके बाद कुछ दूरी पे खड़े होके अपनी माँ को निहारती रही और फिर उनसे कहा सीयू सुन अम्मा मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगी आके आप परेशान मत होइएगा और वो स्माइल करती रही अपने माँ के सामने ताकि उसकी माँ महसूस ना कर पाए अपनी खुद की कंडीशन के बारे में जब कोई बीमार होता ना आप उसको ये तो नहीं कह सकते आप बहुत बीमार हैं और बहुत जल्दी आप एक्सपायर कर जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे और कंडीशन ख़राब हो जाएगी हम क्या कहते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे यू विल बी ऑल राइट ये तो कहते गेट वेल सुन जल्दी सही हो जाओ कंसोल करते हैं उसको सांत्वना देते हैं सिंपैथी दिखाते हैं तो भई सांत्वना ये उसको दे रही थी रिलाइज नहीं कराना चाहती थी कि वो बीमार हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब है इसलिए वो मुस्कुराती रही और क्या अपनी माँ को ऐसे और किया कि जल्दी वो मिलेगी आके सी यू सुन अम्मा अम्मा मैं जल्दी आऊँगी और आपसे मिलूंगी So, uh, so this was the explanation of your poem, My Mother at 66. You must uh, read this poem at home, stanza wise, line by line. I explained each and every line given in this poem. I made you understand about its theme, about its plot, about its, you know. Uh, सेंट्रल आइडिया है वो बताया है मैंने आपको एक एक लाइन इसमें डिक्टेट किया है नाउ इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू ठीक है आप आसानी से इसको समझ जाएंगे इस पॉइंट को पढ़िए आई विल रेज सम क्वेश्चन टुमारो वेन आई विल टेक योर लाइव क्लास फ्रॉम दिस पॉइंट सो रीड दिस पॉइंट एट होम दिस इज योर होमवर्क दिस इज होम असाइनमेंट कंप्लीट करिए पॉइंट को पढ़िए मैं इसकी समरी आपको भेज दूंगा ग्रुप पर ही उसको आप देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक पर ठीक है ओके नथिंग एल्स थैंक यू हैव नाइस डे गॉड ब्लेस यू